रांची विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी की बिल्डिंग का छज्जा टूटकर गिरने से एक छात्र उसकी जद में आ गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां मौजूद छात्र घायल को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन घायल छात्र ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया। आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम कर दिया और प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके रिश्तेदार ने बताया कि मृतक छात्र का नाम मंतोष बेदिया है। वे रामगढ़ का रहने वाला था। हर दिन की तरह मंतोष लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी के लिए पहुंचा था। लाइब्रेरी के बाहर साइकिल खड़ी करने के दौरान ही 4 मंजिले बिल्डिंग की छत का छज्जा टूटकर छात्र के ऊपर गिरा, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। दोस्त घायल छात्र को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मंतोष कुमार भी दिया, क्या कुछ हुआ था जब घटना हुई थी उसमें आपकी? कहां पे ले जाना? अरे लिखना है। हम लोग तो रेगुलर तो आते थे लाइब्रेरी, 10 बजे खुलता था, पढ़ने के लिए आते थे। उसके बाद आज सुबह पता चला कि नहीं से जैसे साइकिल खड़ा किया, उसके बाद उसके ऊपर से आज रात में तो बारिश भी हुआ था, उसके वजह से जर्जर पूरा लाइब्रेरी का हर कोना में जर्जर हो गया पूरा लाइब्रेरी। उसी के कारण साइकिल खड़ा करने के कारण उसके माथे में गिरा, जिसके गिरने के कारण उसको मंतोष बेदिया को ले जाने के कारण में उसका डेंट हो गया। कौन है वो? मेरा मामा का बेटा है। वो जेई का तैयारी कर रहे थे जो निकला हुआ था, 3-4 साल दो बार तो पेपर लीक होने के कारण वो फिर इस बार तैयारी कर रहे थे, और वो जेई का तैयारी कर रहे थे और बीए भी किए हुए थे। घर की आर्थिक स्थिति कैसे थी, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे थी? घर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। साइकिल से आता था तो आप समझ ही सकते हैं, पूरा दयनीय थी। उसका घर में ना कोई, सिर्फ उसका पापा थे, 3 गो भाई थे और एक बहन है, जो वो खुद अपना खर्चा अपने ट्यूशन पढ़ा के करते थे। रांची CEO अमित भगत ने कहा कि छात्र के साथ जो घटना घटी है वे काफी दुखद है। लाइब्रेरी की देखभाल यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा किया जाता है। किसी भी छात्र के इस तरह की मृत्यु होना काफी दुखद है। बहुत दुखद घटना घटी है। एक युवा की मृत्यु हुई है दुर्घटनावश, एक छज्जा गिरा है और इसकी जो आंतरिक देखरेख विश्वविद्यालय प्रशासन करता है। विश्वविद्यालय के अधिकारी आ रहे हैं, उनके सम्मुख वार्ता होगी। स्टूडेंट बीटेक का था, लेकिन बड़ा अच्छा है, दुखद है सबके लिए कि स्टूडेंट चाहे वो बीटेक कर रहे या बीए कर रहे वो बीएससी कर रहे, एक मौत, एक जवान व्यक्ति की मौत, एक जवान बच्चे की मौत, सभी के लिए दुखद। नाम बता दीजिए आप। वहीं सड़क जाम कर रहे छात्रों की मांग है कि मृतक छात्र के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग की। राज्य हित में छात्र का मृत्यु हुआ है और हम लोग का मांग 1 करोड़ रुपया मुआवजा और तत्काल उसको सरकारी नौकरी, और VC और DC और गवर्नर साहब यहाँ जब तक हम लोग को मुआवजा मांग का नहीं करेंगे पूर्ति, और राज्य में जितना लाइब्रेरी है उसको अविलंब बरसात के पहले दुरुस्त किया जाए, नहीं तो हम लोग आगे कोई ठोस निर्णय लेंगे। गौरतलब है कि इस तरह की बड़ी घटना बड़े सवाल खड़े करती है। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।